हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 20th of December और आज पापा का बर्थडे है। पिछला साल तो अच्छे से ही बर्थडे मनाई थी, पापा से केक भी कटिंग भी करवाई थी रात के 12 बजे, फिर बर्थडे के दिन भी करवाई थी। बट ठीक है, इस साल तो और पापा नहीं है हम लोग के साथ, बट वही पापा का फोटो के सामने ही मैं केक दूँगी, इसलिए मैं कल रात को ही केक बना ली थी। और अभी आज मैं थोड़ा सा मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मम्मी को भी शायद थोड़ा सा चेकअप के लिए ले जाना पड़ेगा बाद में। बट आज मैं सोच रही हूँ कि पापा का बर्थडे के लिए केक कटिंग करूँगी और पापा का फ़ोटो के सामने वो केक रख के ही केक कटिंग करूँगी। एंड फिर तो थोड़ा सा काम वम रहेगा ये सब करके, फिर शाम में मैं थोड़ा सा खाना आज सोच रही हूँ कि दूँगी गरीब बच्चा लोग को, और वो लोग को चिकन और भात ये मैं बना रही हूँ घर पर। बट अभी फटाफट से सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ। तो ये मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ मार्केट से, और कुछ कुछ बाकी है वो स्पेंसर से लाऊंगी। तो ये सब भी लेने आ गई थी स्पेंसर, तो हो गया है, अब जा रही हूँ घर। सामान लेके घर आ गई हूँ, अब फटाफट बना लेती हूँ। तो ये है 3 किलो के आसपास मैं चिकन लेके आई थी, तो उसी को बना ली हूँ। और यहाँ पे भात भी बन गया है, दो जगह पे भात खाली टुंपा बना दी है, और पैकिंग करूंगी थोड़ा देर के बाद शाम में। मैं आज बेक की हूँ पापा का बर्थडे के लिए, तो ये कल रात को ही मैं बेक करके रखी थी। अभी पहले केक कटिंग कर लेती हूँ। मिल्कू देखो ताका, ओजो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बूरो। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जाऊंगी अभी सारा खाना बांटने के लिए। तो अभी राइस का पैकिंग हो गया है, बट थोड़ा सा राइस कम पड़ गया है, तो इसलिए एक बार फिर से चढ़ा दी हूँ एक हंडी में फिर से, तो वो वाला बन जाएगा, तो फिर उसको भी पैकिंग कर लूंगी। और अभी बस चिकन पैक कर ले रही हूँ। तो ये है आज का चिकन, ये पूरा एकदम रेडी है, चिकन और ग्रेवी, 2 पीस चिकन और ग्रेवी, हर एक ऐसे फॉइल पैक में रेडी करके रखी हूँ। ऐसे ही फॉइल पैक में चिकन को पैक कर लूंगी अभी। अभी मैं खाना लेके जा रही हूँ और यहाँ पे पापा का फोटो भी ले ली हूँ और केक भी ले ली हूँ। मैं सोची हूँ कि वहाँ पे फोटो रख के गाड़ी में ही, और सामने में केक कट करके सारा बच्चा लोग को दूंगी। तो अभी मेरा सिग्नल खुल गया है, पहले पहुँचती हूँ घर यार। आज का बर्थडे ना दीदी? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वही केक को लेके आई थी, तो वो लोग को केक भी थोड़ा थोड़ा करके कट करके फिर से दे दी, पापा को फोटो लेके आई थी इसीलिए। अभी गोल पार्क में और 3-4 बच्चा लोग हैं, वो लोग के लिए अभी रख दी हूँ, वहीं पे अभी जा रही हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा लगा इस बार, इतना सारा मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, सब लोग को दे पाई तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि पिछला बार जब मैं दी थी तो कुछ कम पड़ गया था, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट अभी इस बार ठीक है, सबको मिला है खाना। एंड आई थिंक ये शायद बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन होगा मे बी, क्योंकि इस तरह कभी भी मैं इसके पहले कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की हूँ, तो आज पहली बार पापा का बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट की हूँ। अभी पापा का फोटो वही मिडिल सीट में मैं रख दी हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, अभी जाती हूँ फिर से गोल पार्क में जाके देखती हूँ। यहाँ
माँ का काम हो गया है, अब जा रही हूँ घर वापस, और घर जाके फिर पापा को खाना भी देना है। घुगनी चटनी पापड़, इतना सारा लोग आए थे, सबको खाना बांट दी तो बहुत अच्छा भी लगा। एंड आई होप आप लोग को आज का ये छोटा सा व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये एक छोटा सा बर्थडे व्लॉग ही था, एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगला व्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय।